वेलकम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक और वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो केवल अल्टरनेटिंग करंट के साथ ही काम करती है, वह डीसी के साथ काम नहीं कर पाती। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वह बेस्ड ऑन है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि इंडक्शन होना चाहिए, इंडक्शन के लिए करंट का चेंज होना चाहिए। अगर म्यूचुअल इंडक्शन को तुम लोग पढ़े हो तो म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल में करंट अगर बढ़ती या घटती थी तो उसके रिस्पेक्ट में उसके नियर बाई कॉइल जिसका फ्लक्स जो था वो पहली कॉइल के कारण था, वह जब चेंज होता है तब दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में या हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में चेंज कर देता है। कंफ्यूज्ड? फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई करंट को क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है हाई वोल्टेज की लो करंट पर, या इसका उल्टा भी कर सकता है। वो हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में चेंज कर सकता है। ये क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है? देखो, आइंस्टीन के ज़माने में जो बल्ब हुआ करता था वो डीसी का बल्ब होता था। आइंस्टीन के जो पूर्वज थे वो डीसी का कारोबार करते थे, और जैसे ही टेस्ला ने जनरेटर की खोज कर दी उनका कारोबार ठप हो गया, आइंस्टीन सड़क पर आ गए। क्यों? परिवार कंगाल हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई। क्या कारण था कि एसी ने डीसी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया? आज भी जो डायरेक्ट करंट हमारी होती है वो केवल सेलों के रूप में हमको प्राप्त होती है। जो सेलें होती हैं हमारी, ड्राई सेल है, लेक्लान सेल है, डैनियल सेल है, वोल्टाइक सेल है, ये या सेलों का जब कम्बिनेशन हम कर देते हैं तो आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है लाइट जाने के बाद जो इन्वर्टर की बड़ी बड़ी बैटरियां होती हैं उन्हीं से हम डीसी का यूज करते हैं। वो भी डीसी का हम कन्वर्जन करते हैं एसी में, और तब घरों में हम इन्वर्टर के रूप में उसको बदल कर यूज करते हैं डीसी को एसी में। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसने क्या किया, एसी का यूज डीसी में भी करने में हेल्प की। आजकल जितने भी चार्जर हैं वो बिना ट्रांसफार्मर के यूज नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस एसी का 220 वोल्ट की एसी को हम अगर डाउन करना चाहें तो डायरेक्ट वो डाउन नहीं होगी, हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और वही डिवाइस से क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो लेकिन एक बात मज़ेदार बात है कि ये लो वोल्टेज की हाई करंट जो है इसको हाई वोल्टेज की लो करंट में भी बदल सकता है, और हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में भी बदल सकता है। यानी कि ये दो काम कर सकता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे कि हमारे जो घरों के अंदर एक स्टेबलाइजर या कह सकते हो ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो कहते हैं कि ये क्या है,
एक वोल्टेज का स्टेबलाइज़र है। तो वोल्टेज का स्टेबलाइज़र जनरली क्या होता है, जैसे घरों में वोल्टेज कम आता है तो हमने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र कर दिया, तो वहाँ उसमें क्या लगा होता है, उसमें जाहिर सी बात है कि वोल्टेज को अप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जो कि लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में बदलता है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को एक चार्जर में यूज करेंगे, कोई चार्जर अगर हो, मान लेते हैं कि ये हमारा चार्जर है, तो ये चार्जर में जो फाइनली निकल कर आ रहा है, ये यहाँ पर जो तुम्हारा आउटपुट निकल रहा है, ये एक डायरेक्ट करंट का आउटपुट है। और जब हमने इसको किसी उसमें लगाया टॉप बोर्ड में, तो बोर्ड एसी इनपुट दे रहा है, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जब भी तुम कोई चार्जर को खोलकर देखोगे तो अंदर एक ट्रांसफार्मर ज़रूर मिलेगा। उस ट्रांसफार्मर ने क्या किया होगा, उस ट्रांसफार्मर ने उस 220 वोल्ट की एसी को 3.4 वोल्ट की एसी में बदला होगा। ये हमेशा याद रखना कि ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही बदलता है, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में नहीं बदलता। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट में ही बदलता है, बस क्या करता है, या तो उसके वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा या तो अप कर देगा। तो एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में, चाहे वोल्टेज को अप करता हो चाहे डाउन करता हो, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, वो पावर का गेन नहीं करता या पावर को घटाता नहीं। तो पावर जो होती है वह कांस्टेंट रहती है, यानी कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब कहोगे ऐसा हमेशा होता है, आंसर है नहीं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमेशा बराबर नहीं होती, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो ट्रांसफार्मर आइडियल होना चाहिए। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और फ्लक्स लीकेज या बहुत सारी हिस्टैरिसिस लॉसेज, इन सभी कई लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, जिसके कारण जो इनपुट पावर होती है वो आउटपुट पावर के बराबर नहीं होती है। लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करें, तो जितना पावर इनपुट में रहेगा उतना ही आउटपुट में रहेगा। तो बच्चों एक चीज़ क्लियर कर लो कि ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही बदलता है, और ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई करने या वोल्टेज को लो करने के काम आता है। वोल्टेज अगर हाई करेगा तो उसी रेशियो में करंट कम हो जाएगी, जैसे अगर वोल्टेज दुगुना किया तो करंट आधी हो जाएगी, वोल्टेज को आधा किया तो करंट दोगुनी हो जाएगी। यह सिद्धांत है ट्रांसफार्मर का। तो हम लोग पहली बात जो लिखना शुरू करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर हेडिंग डाल के हम लोग लिखेंगे, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, और हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। ठीक, आगे भी लिख लो, द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो बेटा, अगर यह वोल्टेज को हाई कर रहा है, हाई कर रहा है यानी कि अप कर रहा है, तो अप कर रहा है तो इसने स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो इस ट्रांसफार्मर का नाम होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर का नाम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ट्रांसफार्मर तुम्हें नहीं मिलेगा वर्किंग में, ठीक है ना। पोल में हो सकता है कि मल्टीपोल ट्रांसफार्मर, टू पोल ट्रांसफार्मर, थ्री पोल, ये हो सकता है, लेकिन उनकी जो मेन फंक्शनिंग है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगी। तो तुम जानते हो कि स्टेप अप कहाँ यूज हो रहा है, स्टेप डाउन। स्टेप अप घरों में वोल्टेज को अप करने के लिए, स्टेप डाउन चार्जर में यूज हो रहा है। और क्या जो मोहल्लों में लगा होता है ट्रांसफार्मर चौराहों पर या मोहल्लों के शुरुआत में, वो क्या होता है,
वह भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्म है, क्योंकि वो 11,000 वोल्ट या 440 वोल्ट इन हाई वोल्टेज लाइन को ड्रॉप कराता है, और ड्रॉप कराकर वो 220 पर लाता है। तो इस तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इंटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, और लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। जो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करता है, वोल्टेज के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो अगर वोल्टेज को अप कर रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को डाउन कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ जब भी करंट की बात की जाएगी, हाई करंट लो करंट, तो ये कौन सी करंट है? ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है। तो ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज्ड इन डायरेक्ट करंट बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन विल नॉट टेक प्लेस विथ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में म्यूचुअल इंडक्शन होता नहीं है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड ऑन है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हम लोग अगला लिखेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब कोई पूछे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यही आप लिख दोगे पूरा नंबर पा जाओगे, है ना। यू नीड नॉट टू राइट मोर देन दैट, ठीक है, लिख दोगे अच्छा है, लेकिन इतना ही लिखने से तुम्हारा काम चल जाएगा, सफिशियंट है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट इज दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा और लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? दैट इज व्हेन करंट चेंजेस इन ए क्वाइल देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन नियर बाई क्वाइल लिंक्ड विद इट। यानी कि जब किसी क्वाइल में करंट का चेंज किया जाता है, तो उसके बगल जो उससे लिंक्ड क्वाइल है उसमें भी एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन, क्या क्या इनका कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग देखने चल रहे हैं। तो तीसरा हेडिंग है बेटा इसका, प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन। तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जनरली कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, ये ध्यान दो, ट्रांसफार्मर में एक फ्रेम होता है। ये फ्रेम जो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। किसका होता है? सॉफ्ट आयरन का। और यह कोर जो होता है वो लैमिनेटेड होता है। कैसा होता है? लैमिनेटेड होता है, ठीक, इस तरह से। लैमिनेटेड का मतलब होता है परत के रूप में, यह जो पूरी चीजें होती हैं परतदार होती हैं, ठीक है, लैमिनेटेड होता है यह ऐसे। यानी कि इनको पतली पतली पत्तियों को जोड़ते हुए यह पूरा हमने क्या बनाया? ये पूरा फ्रेम बनाया, ठीक। अब पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है और लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? तो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ बनाई जाती है। लैमिनेटेड, लैमिनेटेड का मतलब परत, परत के रूप में, जैसे एक पत्ती फिर दूसरी, एक पत्तियों को जोड़कर ये पूरी मोटाई जो होती है ऐसे ऐसे ये ऐसे है। तो ये पत्तियों को जोड़कर, पतली पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। और किस चीज़ का बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। तो इसमें क्या होता है, इन पे एक तरफ हमारा क्या होता है, एक कॉयल होती है, क्वाइल इस पर लपेटी होती है। यहाँ हमने टर्न कम रखे हैं, लेकिन जनरली टर्न बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। और यहाँ पर हमारी अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड की जाती है। दूसरी वाली में क्वाइल के टर्न या तो ज़्यादा रहेंगे या तो कम रहेंगे। दो चीज़ याद रखना, जिस क्वाइल में करंट की सप्लाई की जाती है, अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई की जाती है, ये होती है प्राइमरी क्वाइल। क्या होती है? प्राइमरी क्वाइल। और जिस क्वाइल में करंट डेवलप होती है वो होती है सेकेंडरी क्वाइल। तो इसको याद रखना है, सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है ना। तुम लोग एनसीईआरटी के भी फिगर को बना सकते हो और कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक में एक ही
क्वाइल पर एक ही कोर पर दोनों क्वाइल लपेटी होती हैं या दोनों क्वाइल अलग अलग तरफ लपेटी होती हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्वाइल क्या हो एक ही कोर पर लपेटी हो या अपोजिट कोर पर लपेटी हो। एक ट्रांसफार्मर इस तरह से होता है, तो NCERT में ये फिगर बना हुआ है बेटा, इसको हम लोग देख लेंगे। इस तरह से ये इस तरह से एक क्वाइल होती है, तो जिसमें ये एक दोनों क्वाइल इसी पर लपेटी होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक इस तरह से। तो एक ही फ्रेम पर दोनों क्वाइल लपेटी होती हैं। तो ये ट्रांसफार्मर तब यूज किया जाता है जब बहुत छोटा, जैसे कि चार्जर वाले ट्रांसफार्मर में लगभग इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक ही लिंब पर, एक ही फ्रेम पर दोनों वायर लपेटे भी हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो ट्रांसफार्मर में तार लपेटे होते हैं, तो लड़का सोचता है कि अरे तार लपेटा है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो क्या मतलब रहा, वो तो स्पार्क हो जाएगा, एक दूसरे से टच हो जाएगा। नहीं, यहाँ जो तार यूज किया जाता है कापर का, कापर वायर यूज किया जाता है, जो वाइंडिंग होती है कापर की होती है। जनरली आजकल जो नए नए इन्वर्टर आ रहे हैं, मैं जो ट्रांसफार्मर लग रहे हैं सब, उसमें एल्युमिनियम के वायर भी लपेटे जा रहे हैं, हैं सस्ता होता है एल्युमिनियम, लेकिन जनरली कापर का यूज होता है। तो कापर का वायर जब लगातार ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा क्वाइल इस फ्रेम पर, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप खूब कराया जाता है। तो ओवरलैप करने से क्या वो शॉर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस कापर के वायर पर एक पॉलिश हुई रहती है, और वो पॉलिश जो होती है वो इंसुलेटर होती है। यानी कि अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाए, एक टन दो टन तीन टन, तो तीन टन रहेगा, ये नहीं कि शॉर्ट हो जाए, एक को टन का रेजिस्टेंस काम ना करे। तो जो भी तार लपेटे जाते हैं, चाहे पंखों की कॉइल होती है, जितने भी फैन हैं उनमें कॉइल लपेटी होती है, तो उनमें भी कॉइल एक दूसरे के ऊपर तार लपेटे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आते। क्यों नहीं आते, वो पॉलिश्ड वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक इंसुलेटर वायर होता है, और दो तरह के फ्रेम होते हैं, या तो अपोजिट फ्रेम पर ये कॉइल लपेटी होंगी या सिंगल फ्रेम पे, ठीक है ना। तो जब छोटा ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि हमने बताया चार्जर वगैरह में, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में ये रिस्क नहीं लिया जाता। छोटे ट्रांसफार्मर चूँकि नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं और इसमें खर्चा कम आता है, कॉस्टली नहीं होता ये, तो पता लगा ये 15-20 रुपए का ट्रांसफार्मर है, बन गया, दोबारा ख़राब हो गया, फेंक दो, नया बना लो। लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें अगर इस तरह की कॉइलिंग कर दी जाए सिंगल लिंब पर, तो एक दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत ये होती है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स लाखों में होते हैं, और तब अगर ये इस पर लपेटे गए हैं एक ही पर, तो ख़राब हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर मोहल्लों में लगे रहते हैं, उनमें दो अपोजिट साइड में कॉइलिंग की जाती है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में अपोजिट साइड में कॉइलिंग करने का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी कॉइल ख़राब होती है, अब इसमें भी कॉइल के कई सेक्शंस होते हैं, यहाँ भी कई सेक्शन होंगे, यहाँ भी कई सेक्शन, तो अगर मान लेते हैं कोई एक सेक्शन ख़राब हो गया, तो वो डैमेज, वो उसको खोल कर वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऊपर रहेगा और ये इसमें कोई कॉइल कट गई, तो इसको रिपेयर करना आसान नहीं होता, वो ख़त्म तो ख़त्म, फिर वो मशीन से फिर नया बनेगा, ये रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन ये कॉस्टली होता है, इसलिए अगर इसमें इस तरह की कॉइलिंग की जाएगी तो ये रिपेयर लायक रहेगा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि कई कॉइल के सेक्शन होते हैं, अगर एक सेक्शन कट गया, तो उसको सेक्शन को, उस तार को बदल कर नया वायर लपेट दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर में अपोजिट लिंब में कॉइलिंग की जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन को लिखने में भी कैसे लिखेंगे, और दूसरी चीज़ है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो स्टेप अप में कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, तो प्राइमरी और इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल भी यहीं देख लेते हैं। सिंबल अगर हम देखें, तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सिंबल केवल जान लो, ये
ये देखो बेटा, अब हम देख रहे हैं, देखो बेटा इसमें क्या है, ये बीच में हम कोर को दिखाते हैं कि एक कोर है। अब ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये कॉयल कहलाएगी प्राइमरी और ये कहलाएगी सेकेंडरी, क्योंकि जिसमें सप्लाई हो वो प्राइमरी और जिसमें मिल रही हो वो सेकेंडरी। और एक ये भी है, इस तरह भी देखो, ये दो ट्रांसफार्मर के सिंबल हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइमरी में कम टर्न है और सेकेंडरी में ज़्यादा। तो जब ऐसी कॉइलिंग तुम्हें दिखे तो तुम जान लो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। और जब प्राइमरी कॉइल में कम ज़्यादा टर्न रहे, सेकेंडरी में कम रहे, तो ये है स्टेप डाउन। यानी कि अगर टर्न डाउन है, टर्न कम है तो स्टेप डाउन, और टर्न ज़्यादा है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी की बात नहीं कर रहे। अगर प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो सेकेंडरी ही आउटपुट के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है तो जान लो कि वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, और अगर सेकेंडरी में टर्न कम है तो वह जान लो कि वोल्टेज को घटाएगा। यानी स्टेप अप का मतलब ज़्यादा टर्न रहेगा सेकेंडरी में, स्टेप डाउन का मतलब कम टर्न रहेगा। और तार किसकी रहेंगे, कॉयल किसकी रहेगी, कॉपर के वायर की रहेगी, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, और मज़े की बात, खाली तार के नंबर ऑफ टर्न की ही बात नहीं होती यहाँ, यहाँ पर जहाँ टर्न कम रहते हैं वहाँ का तार मोटा होता है, क्या होता है, थिक होता है। यानी कि कम टर्न तो थिक वायर, और ज़्यादा टर्न तो थिन वायर। यानी कि कम टर्न तो मोटा तार, ज़्यादा टर्न तो पतला तार, ठीक है ना। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, ए का मतलब मोटाई, ए का मतलब क्रॉस सेक्शन, ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम रेजिस्टेंस। तो मोटा तार कम रेजिस्टेंस, पतला तार ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मोटे तार के कम टर्न रहते हैं प्राइमरी कॉइल में, और पतले तार का ज़्यादा टर्न रहता है सेकेंडरी कॉइल में। यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में पतले तार के ज़्यादा टर्न रहते हैं प्राइमरी कॉइल में, और मोटे तार के कम टर्न रहते हैं सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का पूरा कंस्ट्रक्शन तुम लोगों ने जान लिया। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक फ्रेम होता है, मेटालिक फ्रेम होता है। उस फ्रेम के या तो दो अपोजिट साइड में और एक ही उसमें वन ओवर अदर पर एक लपेटा होता है, क्या, कॉपर का वायर। एक कॉइल जिसमें करंट का फ्लो कराते हो वह प्राइमरी होती है, और जिसमें करंट डेवलप होती है यानी कि ईएमएफ डेवलप होता है वह सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। तो लिखना शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। They are wound either one top of the other, either one top of other or on separate limbs, limbs or on separate limbs. One coil is called primary coil in which current is supplied, and the another coil in which the voltage is developed and obtained is called
सेकेंडरी कॉइल, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग इसका थ्योरी और वर्किंग लिखेंगे। तो हेडिंग डाल दो बेटा, थ्योरी एंड वर्किंग। लेट एनपी एंड एनएस आर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। देन व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल, देन द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल चेंजेज ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेज एंड दिस चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूसेज एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। इतना हम लोग लिख लेंगे। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल विल बी गिवन बाय, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय क्या होगा, वो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइ बाई डी टी। फराडे का लॉ है, ये हो गया फर्स्ट। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल विल बी, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो ईएस हम कह देते हैं ये, माइनस एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इंटू डी फाई बाई डी टी। यहाँ ये माना गया है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है या जो फ्लक्स लिंक है प्राइमरी कॉइल से, वह पूरा पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक है। वास्तव में ऐसा आइडियल में तो हो सकता है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है फिलहाल। तो ep इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। देन ई एस अपान ep क्या हो जाएगा बेटा, ई एस अपान ep इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी ओवर माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा एन एस अपान एन पी। एन एस अपान एन पी को, चूँकि एन एस क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपान नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टर्न रेशियो। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड टर्न रेशियो आर ट्रांसफार्मेशन रेशियो। इसको चाहे टर्न रेशियो कहो चाहे क्या कहो, ट्रांसफार्मेशन रेशियो। दिस टर्न रेशियो इज डिनोटेड बाई आर, किसे डिनोट किया जाता है आर से, यानी एन एस अपान एन पी को आर कह दिया जाता है। अब आर की वैल्यू स्टेप अप के लिए क्या होगा, आर की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एन एस बड़ा होता है एन पी से, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होती है और प्राइमरी में कम, तो एन एस अपान एन पी क्या होगा, ग्रेटर देन वन। तो प्राइमरी क्या कहते हैं कि आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें एन एस अपान एन पी ग्रेटर देन वन होता है, और फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर अप ट्रांसफार्मर एन एस अपान एन पी क्या होता है ग्रेटर देन वन, और फॉर स्टेप डाउन, ये सब लिखते जाना, स्टेप डाउन का मतलब जिसमें वोल्टेज कम होता है, तो वहाँ एन एस अपान एन पी क्या होता है लेस देन वन। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एन एस ग्रेटर देन एन पी, और यहाँ पर क्या होता है एन एस लेस देन एन पी। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, इनपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट
पावर, इनपुट और आउटपुट पावर दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं बेटा पी इन इक्वल टू पी आउट। तो पी इन को लिख सकते हैं वी पी इंटू आई पी इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। अब ध्यान दो कि यह वी पी क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो जो इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जब इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज ई पी है तो इनपुट वोल्टेज क्या है, वी पी है। अगर तुमने किसी ट्रांसफार्मर में कोई वोल्टेज लगाया और इनपुट कॉइल में कहीं वोल्टेज का ड्रेन नहीं हुआ, कहीं ड्राप नहीं हुआ, तब जितना तुम वोल्टेज लगाओगे उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर पैदा होगा। यानी कि वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो लगाए गए या सप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। तो यानी कि ये यहाँ पर वी पी के बराबर होगा, यहाँ पर लिख लेना वी पी। और यहाँ पर जो ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी है, यही हमारा आउटपुट पर प्राप्त होगा, यानी कि इसको बोल दोगे वी एस। तो ई एस अपान ई पी इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और ये सब चीज़ें कट जाएंगी। तो एन एस अपान एन पी इक्वल टू, यहाँ पर पहले से ही तुम पहले ही चेंज करके लिखना, यानी एस अपान एन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी एस अपान वी पी इक्वल टू आर, ठीक है ना। या पहले ही इसको लिख लेंगे हम लोग ये वी एस अपान वी पी, या शुरुआत में ही लिखो क्यों, क्योंकि आर पहले लिख ही चुके हैं। तो एन एस अपान एन पी इक्वल टू आर, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, ई एस अपान ई पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इस तरह से लिख लेना, पीछे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलो तो वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस। अब बताओ आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर का लॉस नहीं होता, होना नहीं चाहिए, होता है जनरली, रियल में होता है, बिहेवियर में होता है, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं होता। तो वी एस अपान वी पी क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आई पी अपान आई एस, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हम लोग कर देते हैं 3 और ये हो जाता है 4। तो फ्रॉम थ्री एंड फोर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एस अपान ई पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, आई पी अपान आई एस। देखो ये क्लियर हो रहा है कि वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगी, इक्वल टू यानी इनवर्स रिलेशन यहाँ पर आ रहा है, यही होता है एन एस अपान एन पी इक्वल टू आर। तो ये जो भी चीज़ें आई हैं ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हैं, ठीक है ना। जनरली आउटपुट पावर जो होती है वो इनपुट पावर से कम ही आती है, यही कारण है कि हमें ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ती है। अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर हो तो हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी जो है वो 100% है, ठीक। अब हम लोग बच्चों पढ़ने चल रहे हैं आज के लेक्चर में कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होती है। ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी जो होती है वो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। तो अगर हम लोगों को पढ़ना है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा क्या होता है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को ही ईटा कहते हैं। तो हेडिंग डाल दो और लिखना शुरू कर दो बेटा, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड इफिशियंसी, दैट इज ईटा इक्वल टू पी आउट अपान पी इन, ठीक है ना। और परसेंटेज इफिशियंसी अगर कोई पूछे तो पी आउट अपान पी इन इंटू 100, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज इफ़िशियंसी आ जाती है। अगर कोई भी इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी तो इफ़िशियंसी 1 होगी, और तब परसेंटेज इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी।
तो 100% इफिशियंट कोई भी ट्रांसफार्मर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट पावर और आउटपुट पावर कभी भी बराबर होती नहीं है। आउटपुट पावर हमेशा इनपुट से कम ही होगी। तो आउटपुट अगर कम होगी तो यह इफिशियंसी का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम आएगा और परसेंटेज वैल्यू 100 से कम आएगा। तो अगर कहा जाए कि इफिशियंसी 50% है तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर का आधा है। कह रहे हैं 75% है इफिशियंसी, इसका मतलब है कि इनपुट पावर का 3/4 आउटपुट पर मिल रहा है। अगर 25% है इफिशियंसी तो इसका अर्थ है कि आउटपुट पावर जो है वो 1/4 है इनपुट पावर की। और पावर है क्या? वी और आई का प्रोडक्ट ही पावर है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में ये पावर का जो लॉस हो रहा है वह क्यों हो रहा है और इस पावर के लॉस को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार रहा होगा और इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि जो भी लोग इसको पढ़ें उनको लाभ मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।